उत्तर प्रदेश के बांदा में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह युति ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे बांदा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह भव्य स्वागत। मिशन 2022 को लेकर मुलायम सिंह युति ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह पहुंचे बांदा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 2022 में अखिलेश यादव बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। मुलायम सिंह युति ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में और आपके विभिन्न जिलों से होते हुए आज हम आपके जनपद बांदा में पहुँचे हैं और सड़कों पे उमड़ रहे जन सैलाब आज हमें ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुखिया होने वाले हैं। हमारी माताएं बहनें हों या समाज का कोई वर्ग हो, दबा कुचला वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई वर्ग हो, आज सारे ही लोगों की उपेक्षा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दिए हुए जनादेश का खुला माखौल उड़ाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इतनी प्रचंड बहुमत से बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी और इन्होंने हर वर्ग को निराश किया है। कोविड का काल यदि हम याद करें तो हमारे आँखों से, सभी के आँखों से आंसू ही बहेंगे, ऐसा इन्होंने अनुभव दिया है। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, हर पंथ के मानने वाले को इन्होंने निराश किया है और सभी आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में याद कर रहे हैं। 2022 में कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादियों का एक ही मुद्दा रहा है सदैव, वो रहा है विकास, और उस विकास को भी आज लोग याद कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए हुए काम के फीते आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काटते 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 4.5 साल बीत गए, फिर भी उनके काम खत्म नहीं हो रहे हैं। इतना काम उन्होंने जमीन पे किया था। बीजेपी तो कह रही है कि गड्ढा मुक्त हो चुकी है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इनके मुखिया बार बार अपील कर रहे हैं कि हम फला एक्सियन को जेल भेज देंगे, फला अधिकारी को काला पानी की सजा दे देंगे, लेकिन सड़कें तो आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई और हो भी नहीं पाएंगे इनसे। अब इनसे जो होना था हो चुका। अब सारा काम आदरणीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं अभी 6-7 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा आने वाले चंद महीनों में।